बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए शुरू करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिए, वेरिएबल्स की डेटा टाइप के बारे में पढ़ लिया, प्रिंट एफ फंक्शन पढ़ लिया, हमने काफ़ी कुछ मेन मेन चीज़ें पढ़ ली हैं अभी तक। और अब आता है हमारे एक और कंसेप्ट। देखें, पिछले प्रोग्राम में आपको थोड़ा सा आकवर्ड लगा होगा कि हम एक वैल्यू दो नंबर्स के दरमियान सम कराना चाहते हैं। हम बार बार अपने प्रोग्राम में आ रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो फिर सम कर रहे हैं। तो इसका एक अल्टरनेट, इसका सोल्यूशन क्या क्या ऐसे ही बड़े प्रोग्राम्स में किया जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि हम एक इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। कमेंटिंग करें, इनपुट फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका आइडिया हो चुका होगा। आज हम इनपुट फंक्शन के बारे में देखेंगे कि हम रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं। हम जब काम कर रहे हैं तो हम यूज़र कहते हैं कि पहला नंबर एंटर करें और दूसरा नंबर एंटर करें। जब वो दोनों नंबर एंटर कर दें तो वो हम उसको उनका सम बता दें, उनका डिफरेंस बता दें। हम रन टाइम पे वैल्यू लेना चाहते हैं, बजाय कि हम बार बार यहाँ पे आएँ, इस तरह हम करें इंट नम इज इक्वल टू 20, फिर अगली दफ़ा आएँ तो फिर यहाँ पर आके हमको चेंजिंग करनी पड़े, हम लिखते नहीं 29 करें। तो हम इस चीज़ को कैसे, मतलब कि हम बार बार यहाँ पे तो आके नहीं चेंजिंग नहीं कर सकते, ये तो एक अजीब चीज़ होगी। और बड़े प्रोग्राम्स में तो ये इम्पॉसिबल टास्क होगा जहाँ पे हमको मल्टीपल वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम इस चीज़ से बचने के लिए हम एक इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। सी में इनपुट फंक्शन है स्कैन एफ के नाम का। ओके, ये स्कैन एफ, हमने कोई भी वैल्यू यूज़र से लेनी हो तो हम इस स्कैन एफ नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे परसन डी, कुछ मेथड उसकी तरह का है प्रिंट एफ का, तो बाकी चेंज है थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमने ये एम्परसेंट की अलामत लगानी है और इसके बाद नंबर लेना है। देखिए, हम जो इसका फार्मेट स्ट्रिंग है ना, ये भी बिल्कुल फार्मेट स्ट्रिंग है और ये आर्गूमेंट पास कर रहे हैं और साथ एड्रेस ऑपरेटर लगा रहे हैं। मैं इन तीनों चीज़ों का बताता हूँ अब आपको। इसमें हम कुछ प्रिंट एफ में हम जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते थे, लेकिन इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते। अगर हम लिखेंगे तो वो क्या एरर तो नहीं आएगा, लेकिन वो क्या करेगा, हमारी वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा। परसेंट डी जो है, इसमें हम एक वैल्यू देंगे जो कि बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगा। प्रिंट एफ में क्या होता था, हम आर्गूमेंट से वैल्यू परसेंट डी में आती थी, अब क्या होगा, परसेंट डी से वैल्यू इधर आर्गूमेंट्स में जाएगी। ये हमने एड्रेस ऑपरेटर लगाया है ताकि यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाए। अगर हम एड्रेस नहीं लगाते तो एरर नहीं आएगा, बल्कि एक लॉजिकल एरर होगा कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो सेव नहीं हो रही, क्योंकि ये सेव तब ही होगी हमारा नंबर जब हम इधर लेंगे, नंबर तब ही सेव होगा इस एन यू एम वेरिएबल में जब हम इसके साथ ये एंड का ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, यह फॉर्मेट स्ट्रिंग है, एक के अंदर हम मल्टीपल भी ले सकते हैं, मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हैं। एक स्कैनर फंक्शन के जरिए आप इस तरह दो तीन स्कैनर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं अगर आपने दो तीन इनपुट लेनी है। देखो, मैं अब लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर द नंबर। ओके, तो यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ, मुझे आप कोई आर्गूमेंट यूज़ नहीं करना, तो मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ में आऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा परसेंट डी लिखूँगा और आगे मैं कोमा लगाऊँगा और यहाँ पर आगे लिख दूँगा नम। ओके, तो अब क्या होने जा रहा है, हमारी वैल्यू पहले हम जो देंगे वो नम में स्टोर होगी, फिर अगली स्टेटमेंट में हमें शो हो जाएगी। और यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस, जिसका आपको आइडिया है कि बैकस्लैश एन से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, वो यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे स्पेस दे दें और इसको रन करें, होपफुली इट विल बी रन फाइन। देखें, एंटर द नंबर वो कह रहा है जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं 34 5। ओके, इसको मैं एंटर करता हूँ, ये उसने लिख दिया 3 4 5 नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल उसने आउटपुट शो कर दी है। अब इस तरह ही मैं थोड़ा सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ, नम 1 के नाम से, फिर कॉमन नम 2 के नाम से। अब तक आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सम का नाम का वेरिएबल ले लो, एक सब्ट्रैक्ट नाम का ले लो, एक प्रोडक्ट नाम का ले लो। ठीक है, तो अब मैं इधर लिखूँगा, इसको नम 1 करो। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, और इसको कर दो एंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पर ये लगाओ, यहाँ पर स्कैन एप फिर यूज़ करो, स्कैन एप परसेंट डी कोमा एम्परसेंट नम 2 और ये। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं अगली लाइन पे, ये नम 1 तो हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं, हम यहाँ पर शो करवा देते हैं सम। ठीक है,
और सम बताएं तो सही, सम है क्या है? सम इज इक्वल टू नम वन प्लस नम नम टू। ओके, ये उसने मैथमेटिकली हम ऑपरेटर यूज़ किए हैं और इन सम में नम वन प्लस नम टू की वैल्यू स्टोर हो जाएगी यहाँ पे आके, और अगली स्टेटमेंट में क्या होने जा रहा है कि वो सम की वैल्यू स्क्रीन पे शो हो जाएगी। देखें, इसको रन करते हैं। वो कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं कहता हूँ 34, वो कहता है एंटर द सेकंड नंबर और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 63, ठीक है, और इन दोनों का सम हुआ 97 जो उसने शो कर दिया। अब इसको दो तरीके हैं, मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ नम वन प्लस नम टू, अभी वो सही वर्क करेगा। आप एक वेरिएबल ना यूज़ करें, आप डायरेक्ट शो करवा दें। अगर आपको ज़रूरत है कि यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करना चाहिए तो आप कर लें, अदरवाइज इट विल रन फाइन। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हम थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं। हम इधर लिखते हैं पर्सन डी प्लस पर्सन डी, ओके, इज इक्वल टू पर्सन डी। ओके, यहाँ पर नम वन पर पहले पर्सन डी में स्टोर हो जाएगा, नम टू दूसरे नंबर नंबर में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम, और तीसरा पर्सन डी सम की वैल्यू तीसरे पर्सन डी में स्टोर हो जाएगी। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए थोड़ी सी अच्छी तरीके से अब आउटपुट आएगी 45, 60, 5, 56, और ये 45 और 56 मिल के बनता है 101, और ये यहाँ पर शो हो चुका है। तो आज के प्रोग्राम में हमने स्कैनफ फंक्शन के बारे में पढ़ा है, इनपुट फंक्शन है जो कि अगले में मैं आपको इनपुट फंक्शन, अगर हमने करेक्टर लेना है यूज़र से वो भी बिल्कुल हम इसके दे सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर हम परसेंट सी लिख देंगे, अगर हमने फ्लोट लेना है तो हमने यहाँ पर परसेंट एफ लिख देना है, तो ये बिल्कुल वो फ्लोट वैल्यू ले लेगा। लेकिन एक और तरीका है करेक्टर के लिए जो स्पेशली यूज़ होता है, क्योंकि करेक्टर वन लाइन नंबर होता है, तो हम करेक्टर के लिए जो मेथड यूज़ होता है इनपुट का, वो हम इंशाल्लाह अपने अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि वो किस तरह करेक्टर से हम इनपुट ले, करेक्टर की इनपुट किस फंक्शन के जरिए ले सकते हैं, स्कैनफ के जरिए भी ले सकते हैं। अब आज के लेक्चर में स्कैनफ के बारे में मैंने बता दिया कि स्कैनफ से हम इनपुट ले सकते हैं डेटा टाइप जो भी हो, लेकिन एक और मेथड भी है वो जो मैं अगले ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।